अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं फार्माकोग्नोसी। ठीक है, ये भी फार्मेसी टेक्नीशियन का आपका एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका भी आपका मतलब कहते हैं ना 50% का पेपर आएगा, जो पेपर बी होता है उसमें से। ठीक है, फार्माकोग्नोसी को अगर हम देखा जाए ना, तो अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, ठीक है, तो क्या था कि आपको पता है कि पहले यहाँ हर्बल ट्रीटमेंट दिया जाता था, अब भी दिया जाता है, जिसको हम तिब कहते हैं। ठीक है, जिसमें आप जड़ी बूटियाँ और ये चीज़ें दे रहे होते हो। ठीक है, ऐसे है या नहीं है? तो फार्माकोग्नोसी कहते हैं, ये ग्रीक वर्ड है, दो लफ्ज से मिलकर ये बना हुआ है। एक क्या है? फार्मा कौन, जिसका मतलब होता है ड्रग। ठीक है, दूसरा मतलब है वो कोग्नोसिस, जिसका मतलब होता है नॉलेज। सिंपल अगर हम अल्फाज में कहें, को ड्रग्स का जो नॉलेज है उसे हम क्या कहेंगे? फार्माकोग्नोसी कहेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले अमेरिकन एक साइंटिस्ट था, ठीक है, सॉरी ऑस्ट्रेलियन एक साइंटिस्ट था, जिस 1811 से 1815 में उसने काम किया था सेंडरलेन में। ठीक है, सेंडलर में, तो उसने इस टर्म को क्या किया था, ज़्यादा डिफाइन किया था और ज़्यादा इसके बारे में मतलब कहते हैं ना रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश किए थे। ठीक है, ये होगी आपकी फार्माकोग्नोसी। अगर हम थोड़ी सी मतलब 19वीं और 20वीं सदी की बात करें, या 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, अब हम फार्माकोग्नोसी किसे कहते हैं कि जो अनप्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग है ना, उसे हम क्या कहते हैं? फार्माकोग्नोसी कहते हैं। ये क्रूड ड्रग है, जो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पुदीना यूज़ करना है, आपने उसका पत्ता लिया और यूज़ कर लिया, ठीक है, वो एज ए ड्रग यूज़ कर रहे हैं आप, तो वो एक फार्माकोग्नोसी में आ जाता है। ठीक है, अब हम इसके आ जाते हैं डेफिनेशन पे। जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी है ना, उसके मुताबिक इसकी डेफिनेशन क्या है, वो कहता है कि द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, ठीक है, और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है ना नेचुरल ड्रग्स की, ठीक है, और उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट हैं, ठीक है, इन सब को हम किस में स्टडी करते हैं? फार्माकोग्नोसी में स्टडी करते हैं। डेफिनेशन हम देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ द फिजिकल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल ड्रग एंड देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट एज वेल एज द रिसर्च फॉर द न्यू ड्रग्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। इसमें जो ड्रग्स आप मतलब नई नई तलाश करते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? नेचुरल सोर्स है, मतलब प्लांट से ले सकते हैं आप, एनिमल से ले सकते हैं, या मिनरल से ले सकते हैं, मतलब उसका सोर्स क्या होगा? नेचुरल होगा। तो आपने उस पर न्यू रिसर्चेज करनी है कि यार हम जिस तरह फर्ज क्या पुदीना है, सौंफ है, ज़ीरा है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारा किस में आ जाता है? आपका फार्माकोग्नोसी में आ जाती है। डेफिनेशन याद रहेगी, क्या डेफिनेशन है? फिजिकल, केमिकल या बायोकेमिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल, जो भी कॉन्स्टिट्यूटेड ड्रग्स के उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट है उनकी, और किसी भी नेचुरल सोर्स से जो नई ड्रग्स हम क्या करें, रिसर्च करें, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? फार्माकोग्नोसी कहेंगे। ये है आपकी फार्माकोग्नोसी। ठीक है, आगे हम चलते हैं इसके स्कोप के बारे में। स्कोप क्या है इसका? स्कोप का मतलब क्या होता है बच्चे? स्कोप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप करके, मतलब किसी चीज़ को आप सीख के उसको अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्कोप कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल चलाना सीखा है, आपने एक ऐप सीखी है, आप उस ऐप के माहिर हो गए, तो उस ऐप की जो स्कोप है वो उसका यूजेज है। ऐसे ही फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है कि आपने फार्माकोग्नोसी पढ़ ली है, आपको पता है कि यार पुदीना, सौंफ, ज़ीरा, इनके क्या क्या इस्तेमाल आते हैं, इनका जो यूजेज है वो किस में आ जाएगा? आपका फार्माकोग्नोसी में आ जाएगा। तो स्कोप का मतलब क्या होता है उसकी, वो इसने पहले वो डेफिनेशन दी। फार्माकोग्नोसी ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद द बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, इकोनॉमिकल फीचर ऑफ द नेचुरल ड्रग एंड देयर कॉन्स्टिट्यूट, इसको हम क्या कहते हैं? फार्माकोग्नोसी कहते हैं। ठीक है, हम पहली बात करें तो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ड्रग्स की। क्लासिफिकेशन क्या मतलब है? कि ये सारी जो नेचुरल जड़ी बूटियाँ हैं ना, ठीक है, ये दिल के लिए इस्तेमाल होती हैं,
ये उसकी क्लासिफिकेशन, ये आँख के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये उसकी क्या होगी क्लासिफिकेशन होगी, ये फ़र्ज़ क्या गुर्दे के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये मैदे के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये उसकी क्या आ जाएगी क्लासिफिकेशन आएगी। हम नेचुरल ड्रग्स को क्या कर सकते हैं क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर दो पे देखें, कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज, प्रजर्वेशन, पैकिंग, एवोल्यूशन, एल्ट्रेशन और ऑफ द क्रूड ड्रग। मतलब आपने क्रूड ड्रग को आप उससे उसकी मतलब कल्टीवेशन, स्टोरेज, पैकेजिंग, ये सारा का सारा किसके ज़रिए कर सकते हो आप, फार्माकोग्नोसी के ज़रिए कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक ख़राब इन क्रूड ड्रग में से आप उसमें से उसके असल जो एलिमेंट है वो निकाल के यूज़ कर सकते हो। ये सारा किस में आ जाता है आपका, फार्माकोग्नोसी में आ जाता है। तीसरे नंबर पर आ जाएँ तो प्लांट ग्रोथ हारमोन्स, रैपिड एंड बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर हम दो तीन सौ साल पीछे चले जाएँ ना, तो आप देखोगे कि आपकी जो फसलें थी ना, फर्ज़ किया गंदम थी या क्या था कपास वगैरह थी, ये एक एकड़ में बड़ी कम होती थी, इनकी औसत होती थी 4 मन 5 मन 10 मन एक एकड़ में। लेकिन अब आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है जेनेटिक्स में, और हमने इतने ये क्या कहते हैं ना ड्रग्स या स्प्रे वगैरह बना लिए हैं कि हम एक एकड़ में 70-80-90 मन तक गंदम क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। उसकी रीज़न यही है ना, पहले जड़ी बूटियाँ ख़राब कर देती थी फसलों को, कीड़े मकोड़े ख़राब कर देते थे, अब हमने स्प्रे वगैरह बना लिए जो उसको क्या करती हैं ठीक कर देती हैं, तो वो भी एक ड्रग्स में आ जाता है। ठीक है, एलर्जिन एंड एलर्जी प्रिपरेशन, ओवरकम द एलर्जिन प्रॉब्लम, ठीक है, ये भी आपकी फार्माकोग्नोसी में आ जाती है। इंजाइम टू क्योर मैनेज एंड डिजीज काज बाय द एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी। देखो बच्चे, आपका जो सेल है ना उसमें करोड़ों किस्म के रिएक्शन चल रहे होते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी भी रिएक्शन में कोई इंजाइम की कमी रह जाए तो वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आपका पूरा सेल डिस्टर्ब होगा, सेल से फिर आगे टिश्यू डिस्टर्ब होगा, टिश्यू से फिर आगे आपका पूरा एक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इंजाइम्स की कमी की वजह से बहुत सारा बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो उनको फिर हम सेट करने के लिए वो इंजाइम दे रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो पॉइजनस प्लांट हैं उनके हम क्या कर सकते हैं, पॉइजन को रोक सकते हैं। और आखिर में है कि हर्बल जो ड्रग्स हैं वो अभी भी हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ होती हैं। आप हकीम या जिसने तिब पढ़ी उसके पास चले जाएं तो वो हमेशा आपको हर्बल दवाइयां देगा। हर्बल का मतलब है जड़ी बूटियां देगा, पत्ते देगा, छाल देगा, इस तरह की चीज़ें देगा, जिससे वो क्या करेगा आपका ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, स्कोप को हम थोड़ा सा देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी हम क्या कर सकते हैं, ड्रग्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, क्या कर सकते हो क्लासिफिकेशन में। दूसरा कल्टीवेशन वगैरह, मतलब जो प्रोसीजर्स है ना किसी भी ड्रग्स को निकालने के लिए, जिस तरह कल्टीवेशन, पैकेजिंग, ठीक है, स्टोरेज वगैरह, ये आप इसके इसके स्कोप में आ जाता है। तीसरे जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, क्या है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, उनकी हम ये उगा के प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एलर्जिन्स को हम रोक सकते हैं, जो भी फूड एलर्जिन होते हैं, आपको देखा होगा ना अक्सर गंदम की एलर्जी, दूध की एलर्जी, फूड एलर्जिन होते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, पॉइजनस प्लांट को रोक सकते हैं। इंजाइम की डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं, उसमें भी ये क्या होती है, यूज़ हो रही होती है। ठीक है, और एंड पे क्या है, हर्बल जो प्रैक्टिस है, हर्बल मेडिसिन है, वो भी आप इसमें क्या कर सकते हो, इसकी स्कोप में आ जाता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो